कहते हैं जहां सारे तर्क खत्म हो जाते हैं वहां से आस्था जन्म लेती है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, नाम जहन में आते ही अक्स क्रिकेट का ही बनता है, मगर पुरानी दिल्ली के दिल में बसे इस स्टेडियम के पीछे की कहानी शायद ही कोई जानता हो। इस शांत सी खड़ी विशाल इमारत में वीरानियत और खामोशी इतनी है कि सांसें भी सहमने लगती है। गुफाओं बावलियों के अंधेरों में दिए की किरण कई राज बताती है। दुआओं में इत्र गुलाब की वो मधोश सुगंध हरदम आपको किसी के होने का एहसास हमेशा कराती है। दिन ढलते ही यहां एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। दूसरी दुनिया के बाशिंदे यहां अपना कब्जा जमा लेते हैं। आम लोगों का आना यहां मना है। जिन्ना हर रोज शिरकत करते हैं, गुफाओं में आज भी अपने होने का एहसास दिलाते हैं। तेरहवीं शताब्दी, बादशाह फिरोज शाह तुगलक की शहादत बयान करती इस वीरान इमारत के राज की परतें पलटकर आज हम आपको यहां के रहस्य से रूबरू करेंगे। लोगों की दुआ आस्था के विपरीत खौफ पैदा करती ये तस्वीरें बताती है कि आज भी यहां जिन्नों का राज है जो आम लोगों के बीच ही मौजूद है, जिन्हें जिन्नात भी कहा जाता है। इनसे मिलने की आस में लोग दुआ पढ़ते हैं, अपनी अर्जियों में मन की बात जिन्नों तक पहुंचाते हैं और ये सब सूरज ढलने से पहले ही किया जाता है। चढ़ते सूरज के गवाह यहां इंसान और ढलते सूरज के बाद दूसरी दुनिया के बाशिंदे यानी जन्नात यहां अपना डेरा जमा लेते हैं। आप जुमरात के दिन के अलावा आप आके देखो तो आपको थोड़ी बहुत झिझक लगेगी अंदर जाते हो, अकेले जाओगे तो दिखते तो नहीं है। ये है कि रात में अगर आए आदमी तो दहशत सी लगती है। जिस तरह ऊपर वाले ने इंसान को पांच तत्वों के समावेश से बनाया है, ठीक उसी तरह जिन्नातों की उत्पत्ति आग से की गई है। जिन्नात अपनी अधूरी इच्छाओं की आस में जन्म लेते हैं। इसमें से जो अच्छी शक्तियां होती हैं उन्हें जिन्नात और बुरी शक्तियों को खबीस कहा जाता है। तुगलक वंश को वास्तुकला संरक्षण के लिए हमेशा याद किया जाता है, जिसका एक उदाहरण ये भी है। 13वीं शताब्दी के आखिर में तुगलक साम्राज्य का अंत और दिल्ली सल्तनत पर मुगलों का वर्चस्व काबिज होने के बाद इस पांचवें शहर फिरोज शाह का वीरान होना शुरू हुआ। दूसरी दुनिया की रूहानी शक्तियां यहां अपना राज कायम करने लगी। आखिर किसने उन भटकी हुई आत्माओं को समझाया, जिन्नातों को दुआ अदा करना सिखाया। शक्तियों का फिरोज शाह शहर पर डेरा जमने के पीछे कई राज छुपे हैं। ये विशाल गुंबद ऐसा ही एक उदाहरण है। बताया जाता है कि तुगलक काल के दौरान काफिरों दगाबाजों को दंड के रूप में गुंबद की चोटी पर लटकाकर सजाए मौत के घाट उतारा जाता था। दंड की ये प्रक्रिया पीर के दिन ही की जाती थी और इसकी साक्षात प्रत्याक्षी पूरी प्रजा होती थी। लोगों का यही कहना है कि किले में भटकने वाली बुरी आत्माएं उन्हें काफिरों की थी जो बदले की गुहार में भटकती थी। ये लात इसलिए लगाई गई थी, बादशाह का मकसद ये था कि लोगों को, पब्लिक को, आवाम को, रियाया को ये मैसेज जाए कि कोई जुर्म न करे। अगर कोई जुर्म करता हो तो उनकी सजा ये है।
कहते हैं किसी बंजर स्थान पर किसी पाक फकीर के कदम पड़ जाने से वो जगह उसकी दुआओं से उजागर होना शुरू हो जाती है। ऐसा ही कुछ इस फिरोज शाह शहर के साथ भी हुआ। तकरीबन 700 साल वीरानियत का शिकार हुआ यह स्थान सूफी संत हजरत बदरुद्दीन समरकंदी की दुआओं कलामों से ही एक बार फिर रौनक हुआ था। बदरुद्दीन समरकंदी के जन जागरण के कारण ही इस वीरान पड़े किले में रोशनी अगरबत्ती की सुगंध एक बार फिर गमकने लगी थी। आज आप देखते हैं कि वलियों के दरबारों में आज भी मेला लगा हुआ है, मगर शहनशाहों के किले वीरान पड़े हैं। यहाँ पर आप इबादत किया करते थे, जब आप पर्दा कर गए तो उसके बाद में यहाँ जिन्नात हजरात का बसेरा हो गया। जाहिर है आस्था कुछ कहती है तो उसे समझना बेहद जरूरी है। यहीं पास में हमें गोलाकार तालाब के आकार की बावली भी दिखी। मलिकाए हुस्न, जिन्हें साधारण शब्दों में परियां कहा जाता है, का ये ठिकाना बताया जाता है। बावली की खूबसूरती से छेड़छाड़ करने के चलते कई राज इस काले पानी में समा चुके हैं। हमारे लिए भी ये जानना बेहद खास बन गया था कि ये जिन्न होते क्या है और क्यों ये आम लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि जामे मस्जिद में वो लोगों के साथ नमाज तक अदा करते हैं, मगर उन्हें पहचानना मुश्किल है। यहाँ पे बिल्ली वगैरह हैं, उनके रूप में ही हूँ। बिल्ली हैं, कुत्ते हैं, ऐसा बहुत से तो ऐसे जानवर के रूप में आ जाते हैं, वो नापाक होते। पाक जो होते तो वो यहाँ रहते हैं, पाक जैसे ही है। हमारी नज़रें इतनी तेज नहीं है कि हम उसको देख सकते हैं, कभी इंसान की शक्ल में, कभी जानवर की शक्ल में, और उनमें भी अच्छे बुरे हैं। जैसा कि तथ्यों से पता चल रहा है कि ये जब चाहें किसी की शक्ल में, किसी के भी रूप में आकर आम लोगों में कुछ इस कदर घुल मिल जाते हैं कि इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो ये जानवरों का रूप भी ले लेते हैं, इसलिए यहां आपको कई तरह के जानवर दिखें तो डरना मत। फिरोज शाह कोटला दरगाह के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने जिन्नों की पहचान के अपने अलग किस्से हैं। किसी को वे दरगाह के अंदर दिखते हैं तो किसी को इंसानी रूप में अदृश्य परछाई के समान लगते हैं। जैसे हम इंसान के रूप में भी कभी बहुत लंबाई हाइट हो जाती है, इस तरह के कभी सपने में तो हमने महसूस किया इस चीज़। बाकी जैसे सामना होता है तो उसका तो एहसास करना ही बड़ा मुश्किल है और टिकना भी बड़ा मुश्किल है इंसान के लिए। आप अचानक किसी रूप में भी कोई चीज़ आ जाए तो आपसे दहशत के मारे तो वैसे ही परेशान हो जाओगे। अब तक की पड़ताल में हमने ये तो बखूबी जान ही लिया कि इस फिरोज शाह कोटला दरगाह में आखिर कितने राज छुपे हैं। दरगाह से जुड़ी आस्था को देखें तो श्रद्धालु कहीं नमाज अदा करते दिखेंगे, कोई फूलों की चादर चढ़ाता है तो कोई गुफाओं से गुहार लगाता है। कदम दर कदम बनी इन गुफाओं में न जाने कितनी ही कोठरियों के भीतर फूलों की महक और एक अजब सी रोशनी आपको दूसरी दुनिया के बाशिंदों की मौजूदगी का हर दम एहसास दिलाती है। हवाओं के झरोखे से लगता है कि शायद कोई आपको टकटकी लगाए देख रहा है। मान्यता यहां तक है कि लोग जिन्नों से बात करने के लिए और अपनी मनोकामना पूरी होने की आस में स्वयं लिखित पत्र लेकर आते हैं। क्या वाकई ही जिन्न लोगों से बात करते हैं? पर्ची बना के डाल देना, जिससे मेरी हाजिरी लग गई यहाँ पे, तो उसका जो फायदा होता है यानी कि मैं ठीक होता चला जाऊंगा या फिर मेरे पे असर कम होता चला जाएगा। साथ ही एक सिक्का जिन्नों के नाम दीवार पर चिपकाया जाता है, जिसका सिक्का एक बार में चिपका उसकी मन्नत जल्द ही पूरी हो जाती है। कहते हैं कि रात के समय जिन्न यहां लोगों की अर्जियां पढ़ने आते हैं। मान्यताओं और आस्था का विशाल रूप बन चुकी ये दरगाह
श्रद्धालुओं की आस्था पर आज भी खरी उतर रही है और इस आधुनिक दुनिया में भी लोगों को रहस्य की अनकही बातों से जोड़ रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम आते हैं, हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, उनका भला होता है। हमने यहाँ मन्नत मांगी आके, दुआ की उसके लिए, तो हमें मुश्किल से 3 महीने हो गए थे इस बात को कि हमारी बीवी प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके बाद में हमारा 2 बच्चे। फिरोज शाह कोटला के चमत्कारी सच का रहस्य इस बात से और पुख्ता हो जाता है कि पास की एक दरगाह में लोग इसलिए शिरकत करते हैं कि किसी बुरी परछाई से निजात पाया जा सके। तस्वीरों में दिख रहे ये अजीबोगरीब हरकतें करते ये लोग किसी बुरे साए का शिकार है। ऐसे ही ना जाने कितने ही लोग यहां अपने बुरे साए से निजात पाने आते हैं। तस्वीरों को देखकर तो लगता है भूत प्रेत आज भी मौजूद है, पर हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। साइंस की माने तो इस तरह की हरकतें करने वाले मरीज हिस्टीरिया बीमारी के शिकार होते हैं, जो लोगों को देखकर कभी गुस्सा होते हैं तो कभी एकदम शांत से पड़ जाते हैं। ये बाबा जो है हमारे बाबा सैयद बदरुद्दीन रहमतुल्लाह ने, इनके दायरे में आने के बाद जिस पे बुरी चीज होती है वो चीखने चिल्लाने लगता है, पेशी पड़ जाती है, गिरफ्तार हो देता है। साथ ही हमने यहाँ ऐसी कोई रूहानी डरावनी शक्ति या आवाज ना देखी और ना ही सुनी। अब आस्था कहें या अंधविश्वास कि ये जगह चिन्नातों की नगरी कहे जाने के कारण डर और रहस्य को जन्म तो देती ही है। दिल्ली की विरासत का ये अनोखा नमूना आज भी रहस्य के कई पहलुओं पर सोचने को मजबूर करता है। यही कारण है कि हजारों सैलानियों का आना जाना यहां लगा रहता है और यही वजह कि आस्था पर खरा तो ये उतरता ही है।